सब्सक्राइब कीजिए टेक जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट पे एक प्रिंटर ऑर्डर दिया था, आप देख सकते हैं ये वो प्रिंटर का बॉक्स, कैनन पिक्समा MG2470। दोस्तों, आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बॉक्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कलर प्रिंटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड इंक सिस्टम और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो पावर ऑन। तो इसका प्राइस के बात करें तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3995। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, मैंने तो 2799 में ही इसे ख़रीदा है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स कैसा है। चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है बॉक्स पे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाता है, आप देख लीजिए, ये देखिए, तो कुछ यूज़र मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप देख सकते हैं। तो मैं इस साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे आपको सामने, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कार्टेज मिलता है, ये देखिए 745 का एक ब्लैक कार्टेज मिल जाता है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे एक कलर कार्टेज भी मिलता है, 746 का एक कलर कार्टेज है ये, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक, ये देखिए, एक पावर केबल है मिल जाता है, ये देखिए, ये पावर केबल है। और दोस्तों, यहाँ पे आप एक USB पोर्ट मिल जाता है, इससे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रिंटर को, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो इससे आप, इसके मदद से अपने, ये एक USB पोर्ट है, ये अपने कंप्यूटर पे लगा सकते हैं और ये प्रिंटर पे लगेगा, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो चलिए प्रिंटर को देखते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स में और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे आपको एक क्या क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक कुछ एक CD मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक ड्राइवर CD मिल जाता है, ये देखिए, ये एक ड्राइवर CD है, उसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे कुछ मैनुअल वगैरह है, और कुछ मैनुअल है, ये कुछ मैनुअल वगैरह है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो चलिए इन प्रिंटर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेन प्रिंटर है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक ब्लैक प्रिंट और कलर प्रिंट के लिए एक अलग से बटन मिलता है, और ये पावर ऑन बटन है, और यहाँ पे एक ये स्कैनर है, ये लीजिए, देख लीजिए, स्कैनर है। और ये पेपर ट्रे है, और दोस्तों, यहाँ पे आप कार्टेज डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करके अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे आप कार्टेज डाल सकते हैं,
दोस्तों मैं आने वाला टाइम में इसका एक फुल रिव्यू भी लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।